स्वागत है चैनल पर। बेसिकली आज मैं एक ट्रिक के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। फिजन जानते होंगे आप सभी, न्यूक्लियर फिजन जो हुआ करता है। बेसिकली एक न्यूक्लियाई को जब हम किसी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर किसी भी तरह के अदर न्यूक्लियर पार्टिकल से बॉम्बार्ड कराते हैं तो वो और पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, और मासिव पार्ट्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े पार्ट्स हो सकते हैं वो, है ना। तो कई तरह से ये होता है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल ये है कि एक न्यूट्रॉन ऐड हुआ यूरेनियम में, है ना, इसको बम्बार्ड कराया गया। तो अब देखिए, इसका मास पहले 235 था, एक न्यूट्रॉन का भी दिखाया जा रहा है, तो यहाँ ऐड करके 236 आप लिख दीजिए, है ना, सिंपल सी बात है। इसी तरह से अब देखिए, आप इसको याद कैसे करेंगे, बैरियम है ना, बैरियम किससे शुरू हो रहा है, 12 बी फॉर कुछ भी कह सकते हैं, बी से 12, मैं इसे याद कर रहा हूँ इसको, यानी 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 12 बैरियम 144। यहाँ से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 56 आपको याद करना ही करना पड़ेगा। और साथ में याद रखें कि तीन न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, अगर तीन न्यूट्रॉन रिलीज होंगे तो जाहिर सी बात है 144 में तीन और ऐड करके अगर मैं 236 से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्रिप्टॉन का आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको केवल क्रिप्टॉन का नाम ही दिमाग में अगर रहेगा तो भी आप आसानी से इसको कर पाओगे, है ना। यहाँ आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप इसका भी याद रखो, तो बेसिकली आपने केवल एक चीज़ याद रखी, बैरियम का, वहाँ के थ्रू सारा हो जाएगा, है ना। इसी तरह से जब ये आएगा नेक्स्ट, जो सेकंड वाली रिएक्शन दी गई थी, यहाँ पर आप रखो याद कैसे, नियोबियम, इसको मान लो कोई खिलाड़ी था 99 पे आउट हो गया, उसकी जर्सी का नंबर 41 था, अगर वो 99 रन बनाया है तो उसका मास हो गया, और जर्सी का नंबर यानी एटॉमिक नंबर, अरे भाई एटॉमिक नंबर से ही तो रिप्रेजेंट होता है कोई भी एलिमेंट, तो वही आप मान करके चलो 41 हो गया, और 41 में आगे क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो आगे 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या, 4 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो 4 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, फिर वही बात, 99 में 4 ऐड करें, 236 से माइनस कर दें। इसी तरह से आप नीचे एटॉमिक नंबर को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आराम से मतलब हो जाएगा ये आपका, है ना। 41 जैसे ही माइनस करो, 2 माइनस 1 आएगा, और 9 माइनस 4 5 आएगा, तो यहाँ से आप आराम से SB यानी बिस्मुथ का भी निकाल सकते हो, है ना। सो डैट्स इट, इतना ही था। थर्ड वाली रिएक्शन का डोंट नो।